गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आज डेट है 24th ऑफ जून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर डिस्कशन। पहली न्यूज़ हमारे पास आई है, इंडिया स्टार्ट कर रहा है अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को, बट यूएस हैज़ थ्रेटन टू बैन एयर इंडिया सर्विसेज अंडर वंदे भारत मिशन। बट यूएस के कुछ इश्यूज़ हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लेकर, वो भी वंदे भारत मिशन के ऊपर। तो वंदे भारत मिशन के ऊपर हमारा क्वेश्चन बन सकता है, वंदे भारत मिशन क्या है? वंदे भारत मिशन एक इंटरनेशनल मिशन स्टार्ट किया था इंडिया ने May 6th को, जो कि हेल्प करने के लिए था, जो लोग एब्रॉड में पेंडेमिक की वजह से फंस चुके थे उनको लाने के लिए। तो उसमें एयर इंडिया के चार्टर्ड, इंटरनेशनल चार्टर्ड प्लेन्स की हेल्प ली गई थी। तो अभी इंटरनेशनल प्लेन्स, जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंडिया स्टार्ट कर रहा है, तो यूएस के कुछ उसमें एक्यूज्ड हैं, जो यूएस कहता है कि इंडिया ने अनफेयर प्रैक्टिसेस की हैं। तो ये आर्टिकल आया है आज के द इंडियन एक्सप्रेस में, और इस आर्टिकल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, बिहार रेजेस कंसर्न ओवर नेपाल स्टर्लिंग रिपेयर वर्क्स ऑन बैराज। ये बैराज की बात हो रही है, गंडक बैराज की। गंडक बैराज जो कि बिहार और नेपाल के बॉर्डर में है, और गंडक रिवर, तो उस बैराज की बात हो रही है। तो वहाँ पे अभी मरम्मत का काम चलना था उस बैराज पे, बट नेपाल गवर्नमेंट ने कुछ कंसर्न रेस किए थे रिपेयर वर्क को लेकर के, जो कि आज तक कभी नहीं किए गए थे। वो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि नेपाल काफ़ी सारी चीज़ें इस बार फर्स्ट टाइम ही कर रहा है। तो थोड़ा देख लेते हैं गंडक बैराज के बारे में। गंडकी रिवर जो है वो नेपाल से होकर के आती है, और उसका नाम नारायणी और गंडक के नाम से भी वो फेमस है। ओरिजिन गंडकी रिवर का है न्यूबाइन हिमालयन हिमल ग्लेशियर, जो कि मस्टैंग रीजन में है नेपाल के। तो ये मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, ये आई है हमारी गंडकी रिवर, ये कुछ यहाँ पे इस जगह पे नेपाल से दाखिल होती है बिहार में, ये वाला जो पॉइंट है। तो ये पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट जो ये रेड सर्कल में है, ये गंडक बैराज है। यहाँ पे ये इमेज में आपको दिख भी रहा होगा, ये गंडक बैराज है। तो यहाँ पे रिपेयर का वर्क चलना है, बिकॉज ये एक मेजर बैराज है। जब गंडकी रिवर आती है नेपाल से, एंटर करती है बिहार में, तो फ्लड का एक रीज़न भी बन जाता है। इस वजह से यहाँ पे बैराज है, और इस बैराज की मरम्मत होना काफ़ी ज़रूरी भी है। तो नेपाल के भी कंसर्न है, आगे देखते हैं। नेपाल बात हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बात की है, तो इस पर कुछ सॉल्व होगा ये चीज़। बिहार की एक और बात कर लेते हैं, बिहार में सरकार ने, बिहार सरकार ने बाल कन्या विवाह रोकने के लिए एक प्रमुख पहल की थी, और उस पहल का नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ये बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। इस योजना के अंतर्गत किसी भी अगर लड़की का जन्म होता है, तो जन्म के पश्चात 5,000 रुपये दिए जाते हैं उसकी फैमिली को। अगर वो 12th पास कर लेती है तो 10,000 रुपये दिए जाते हैं, एंड अगर वो ग्रेजुएशन कर लेती है तो उसे 25,000 रुपये दिए जाते हैं। शर्त यही है कि वो अविवाहित हो 12th के टाइम पे। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बिहार में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व की हम क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज इंडिया में काफ़ी कम टाइगर रिजर्व हैं, और उनमें से एक बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो ये क्वेश्चंस होपफुली आ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, पेरिस डील वॉज अ चैरिटी दैट गेव लीवे टू इंडिया चाइना। एक बुक रिसेंटली लॉन्च हुई है, बुक का नेम है द रूम वेयर इट हैपेंड, और ये लिखी गई है बाय जॉन बॉल्टन। और ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट कैसे बनती है? बिकॉज जॉन बॉल्टन एक फॉर्मर US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं, तो ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं USA में, और इन्होंने एक बुक लिखी है, और जो कि काफ़ी कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी लोगों के क्रिटिक्स आए हैं, काफ़ी लोगों ने कुछ अलग अलग बयान दिए हैं। इन्होंने अपनी बुक के अंदर इंडिया के बारे में भी लिखा हुआ है, और इंडिया के 2019 इंडिया पाक क्राइसिस के बारे में भी काफ़ी बातें लिखी हैं, बट कोई भी बात उसमें से पॉजिटिव नहीं है। काफ़ी बातें न्यूट्रल हैं, बट पॉजिटिव तो कोई भी नहीं है। तो ये बुक क्वेश्चन बन सकता है SSC पॉइंट ऑफ व्यू से, कि द रूम वेयर इट हैपेंड बुक के राइटर कौन है, तो जॉन बॉल्टन।
या फिर जॉन बॉल्टन पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि हु जॉन बॉल्टन कौन है, तो फॉर्मर यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एक रिसेंट चेंज हुआ है अभी दिल्ली गवर्नमेंट में। चेंज क्या हुआ है, भूपेंद्र सिंह बल्ला जी जो कि 1990 बैच के आईएएस रह चुके हैं, वो अभी बन गए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, होम डिपार्टमेंट एज वेल एज द नोडल ऑफिसर फॉर ओवरऑल मैनेजर ऑफ कोविड-19। तो उनको बनाया है लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जी ने, उनको अपॉइंट किया है। तो भूपेंद्र सिंह बल्ला जी अभी एक रिसेंट चेंज है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, जिनको कि नया पद मिला है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट का। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। रशिया टू स्पीड अप डिफेंस डील। रशिया के साथ जो हमारी डिफेंस डील है उस वो स्पीड अप कर रहा है। अभी कोविड-19 की वजह से चांसेस ये थे कि रशिया, जो भी हमारी इंडिया और रशिया के बीच में डील्स हुई हैं उसमें क्या पता स्लो हो जाए, बट अभी मैंने अपनी पिछली न्यूज़ में भी कवर किया था कि हमारे राजनाथ सिंह जी जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं रशिया गए थे ट्यूसडे को, मॉस्को में उन्होंने अटेंड किया है 75th एनिवर्सरी जो कि रशिया सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड वॉर 2 पे जर्मनी के ऊपर जो जीत हुई थी, आज़ादी हुई थी उसके को सेलिब्रेट करता है। तो S-400 के बारे में भी डिस्कशन हुआ, बिकॉज S-400 की फर्स्ट डिलीवरी 2021 जो कि नेक्स्ट ईयर है वो होने वाली है, तो उस पर राजनाथ जी ने बात की है। बात करते हैं S-400 है क्या। S-400 और S-400 ट्रायम्फ भी कहा जाता है। ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि डेवलप किया है रशिया ने। मैं आपको बता दूं कि द इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो कि काफ़ी फेमस और रेप्यूटेटेड मैगजीन है, उनके ये वर्ड्स हैं कि ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, तो हर कोई कंट्री इसे अपने पास रखना चाहेगी। तो इसीलिए इंडिया ने ये डील 2018 में साइन करी थी, और डील साइन हुई थी 5.2 बिलियन डॉलर में, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट है। डील 5 रेजिमेंट ऑफ S-400 ट्रायम्फ की हुई थी। S-400 ट्रायम्फ की अगर मैं आपको थोड़ा क्वालिटीज़ बताऊं तो 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक एंड अप टू 30 किलोमीटर के एप्टीट्यूड एल्टीट्यूड एंड 400 किलोमीटर की रेंज तक ये किसी भी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, किसी भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और कोई भी एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकता है, और ये एक टाइम पे 36 टारगेट्स को हिट कर सकता है। तो ये एक काफ़ी ब्रूटल एयर डिफेंस सिस्टम है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि ये चाइना के पास है, चाइना इसे अपनी मिलिट्री में यूज़ कर रहा है, तो इंडिया भी जल्द से जल्द चाहेगा कि ये उनके पास आ जाए। तो S-400 की न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट बनती है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं S-400 के। इसमें काफ़ी सारे सेटअप्स हैं, अलग अलग रेडार सिस्टम्स हो गया, मिसाइल लॉन्चेस हो गए। तो ये एक काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट मिसाइल सिस्टम हो जाएगा इंडिया के पास अगर ये जल्द से जल्द आ जाता है तो। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एक पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किया गया है बाय डॉक्टर प्रोफेसर दीपक अग्रवाल जो कि न्यूरो सर्जन है एम्स दिल्ली में। इसका नेम रखा गया है एग्वा कोविड, और ये उनके साथ प्रोफेसर दिवाकर वैश जो कि एक रोबोटिक स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने तैयार किया है। तो इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है कि एग्वा कोविड क्या है, तो याद रखने वाली बात है, वो एक पोर्टेबल वेंटिलेटर है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है के रघुनाथन की, रिसेंटली देहांत हो गया है। वो फॉर्मर हूपस्टर मीन्स फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, और काफ़ी उन्होंने टूर्नामेंट खेले हैं। ऑल स्टार टीम जो कि श्रीलंका में हुआ था उसको, इंडियन ऑल स्टार टीम को भी उन्होंने रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि के रघुनाथन किस खेल से संबंधित हैं, तो वो संबंधित हैं बास्केटबॉल से। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास बास्केटबॉल की ही है, रिलेटेड इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन फीबा। इसे फीबा क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये फ्रेंच में फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है।
इंग्लिश में इसे द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन कहा जाता है, फीबा। ये होना था बेंगलुरु में, क्वालिफाइंग टूर्नामेंट, ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होना था बेंगलुरु में, जो कि अब नहीं हो रहा है। ये अब ऑर्गेनाइज होगा ग्रेज ऑस्ट्रिया में नेक्स्ट ईयर मई में, मई 2021 में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा ऑस्ट्रिया में। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि है वियना, और ऑस्ट्रिया आता है यूरोप के अंदर। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी क्रिएट हो सकता है कि अभी रिसेंटली करंटली कौन चल रहे हैं इंडियन बास्केटबॉल टीम के कैप्टन, तो वो हैं विशेष भृगुवंशी। ये नेम याद रखने लायक है, विशेष भृगुवंशी इज द कैप्टन ऑफ इंडियन बास्केटबॉल टीम। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आए हैं आज के पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू में, द शार्प एंड ऑफ मिलिट्री पावर, ये आर्टिकल आया है द हिंदू का, एंड ये आर्टिकल रिलेट कर सकते हैं हम जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन से। अरेस्ट द वायरस ऑफ आर्टिबिट्री पावर, ये सोशल जस्टिस जीएस पेपर 2 के से हम रिलेट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया है द हिंदू में, और ये एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी आर्टिकल आए तो आप उसको जरूर पढ़िए, बिकॉज कोई भी ऐसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या CAPF की मैं बात करूँ, CAC की बात करूँ, या और भी कोई अन्य एग्ज़ाम जिसमें ऐसे एक पार्ट होता है, तो वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड तो कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन राइज होता ही है। और हमारा एक एजुकेशन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है, वो एग्जामिनर हमारा उसमें व्यू देखता है कि हम क्या सोचते हैं एजुकेशन को, क्योंकि अगर एजुकेशन ही कंट्री की स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है, तो फ्यूचर स्ट्रांग होगा ही। तो एजुकेशन से रिलेटेड आप सारे आर्टिकल जरूर पढ़ा कीजिए। दिस क्राइसिस इज डिफरेंट आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, और ये आर्टिकल रिलेटेड है GS3 के इकोनॉमिक से। आप इसको GS3 के इकोनॉमिक से रिलेट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सारे आर्टिकल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उनको वहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक, एंड आपके ऑप्शंस हैं कोडाई कनाल, नैनीताल, कोलेरू एंड रेणुका। तो मैं आपको बता दूं, कोडाई कनाल जो कि तमिलनाडु में है, नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है, रेणुका जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एंड कोलेरू जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सी आर्टिफिशियल लेक है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया हो, और आप हमारे आज के सेशन की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।